So guys, अगर आपको भी लगता है कि DC movies और उसकी universe confusing है, तो शायद आप DC comics की पूरी history नहीं जानते। क्योंकि DC comics की reboots ने जितना readers को confuse किया है, movie universe का confusion तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि हर चीज की नई शुरुआत करना जरूरी होता है, लेकिन यही नई शुरुआत बार बार हो तो दिमाग में दर्द हो सकता है। स्पेशली जब आप एक नए DC कॉमिक बुक रीडर हो और आपको पता ही ना हो कि क्या, कहां और कैसे हुआ और इसे शुरू करें तो करें कहां से। वेल, कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको आसान से आसान तरीके से DC कॉमिक्स के हर रिबूट के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स टू प्रेम शर्मा जिन्होंने हमें इस वीडियो को सजेस्ट किया, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसे ही आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए वे एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइप्स। सो टाइप्स के हिसाब से DC कॉमिक्स में अब तक दो तरह की रिबूट्स हुई हैं। पहला सॉफ्ट रिबूट या रेटकॉन्स, जिन्हें कभी कभार रेट्रोएक्टिव कंटिन्यूटी भी कहा गया है। ये बेसिकली DC कॉमिक्स में किसी पर्टिकुलर कॉमिक बुक या किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर की हिस्ट्री को ठीक करने के लिए किए गए हैं, और इसका DC के यूनिवर्स पर कुछ खास असर नहीं हुआ है। वहीं पर दूसरा है हार्ड रिबूट्स, जिन्हें DC में कई बार क्राइसिस इवेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये कभी कभार DC के पूरे यूनिवर्स को रीसेट करने के लिए जाने जाते हैं। और इन्हीं के बाद से DC कॉमिक्स अपने कॉमिक बुक्स की एक नई शुरुआत करती है और हर कॉमिक बुक इशू नंबर 1 से शुरू हो जाती है, जिससे नए रीडर्स को कॉमिक बुक को पढ़ने में आसानी होती है। द हिस्ट्री ऑफ रीबूट्स। DC कॉमिक्स की शुरुआत वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई थी जैसी आपको दिखती है। वेल, शुरुआत में तो DC कॉमिक्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, और इसके अलग अलग कैरेक्टर्स के राइट अलग अलग पब्लिशिंग कंपनीज के पास थे। फॉर एग्जाम्पल, सुपरमैन के राइट थे एक्शन कॉमिक्स के पास, बैटमैन के राइट थे डिटेक्टिव कॉमिक्स के पास, और फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न के राइट थे ऑल अमेरिकन कॉमिक्स के पास। वहीं पर 1940 में सबसे पहली बार ऑल अमेरिकन कॉमिक्स ने अपने ऑल स्टार कॉमिक्स के इश्यू नंबर 3 में हमें अपने सुपर हीरोज को एक ही यूनिवर्स में दिखाया, और बेसिकली यहीं से कॉमिक बुक के फिक्शनल यूनिवर्स का फंडा कुछ कुछ क्लियर होने लगा। वहीं पर जब ये सारी की सारी कंपनीज एक साथ मिलकर नेशनल कॉमिक्स के अंडर आईं, तो नेशनल कॉमिक्स ने ऑल अमेरिकन कॉमिक्स के सुपर हीरोज पर ध्यान देना कम कर दिया। वहीं पर उन्होंने फ्लैश को एक नए ढंग से पेश किया, जहां पर पहले के जे गैरिक के फ्लैश के बजाय नए बैरी एलन को नेशनल कॉमिक्स के शोकेस के इशू नंबर 4 में पहली बार दिखाया गया था, जो पब्लिश की गई थी 1956 में बिना किसी भी तरह के फॉर्मल एक्सप्लेनेशन के। पर फिर भी नए बैरी एलन के फ्लैश के यूनिवर्स में कई बार पुराने जे गैरिक का फ्लैश एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में दिखा, और जब जे गैरिक फिक्शनल था तो पूरा का पूरा जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका बैरी एलन के यूनिवर्स में एक फिक्शनल यूनिवर्स था, और यही चीज ज्यादातर रीडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसीलिए जे गैरिक और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के यूनिवर्स का सेंस बनाने के लिए नेशनल कॉमिक्स ने नए फ्लैश के इशू नंबर 123 में फ्लैश ऑफ द टू वर्ल्ड्स के स्टोरी लाइन को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर फ्लैश अपने मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके जे गैरिक के फ्लैश के यूनिवर्स में चला जाता है, और वहीं पर हमें पता चलता है कि जे गैरिक का यूनिवर्स बैरी एलन के यूनिवर्स से अलग है, और वो एक कम्प्लीटली अलग यूनिवर्स है, जिसके कारण जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के एब्सेंस का सेंस बन पाया, और एक्सीडेंटली DC कॉमिक्स ने अपने लिए एक नया टूल इजाद कर लिया। और DC कॉमिक्स अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज और उनके अलग अलग वर्जन और उनके अलग अलग स्टोरीज को मल्टीवर्स के थ्रू समझाने लगी, जहां पर कई बार नेशनल कॉमिक्स ने इसी मेथड के थ्रू अपने ही यूनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स का मल्टीवर्सल क्रॉसओवर किया। फाइनली 1977 आते आते नेशनल कॉमिक्स बन गई DC कॉमिक्स, और इसी मल्टीवर्सल टूल की वजह से अलग अलग प्रकार के सुपर हीरोज, उनके अलग अलग वर्जन और उनके अलग अलग रन्स पर ध्यान देना DC कॉमिक्स के लिए एक मुश्किल की बात हो गई। इसी के चलते रीडर्स कंफ्यूज होने लगे और DC कॉमिक्स के सेल्स गिरने लगे, और उन्हें इस चीज के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने अपना फाइनली एक मेजर रिबूट किया 1985 की क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ की स्टोरी लाइन के नाम से, जिसमें बेसिकली कई सारे सुपर हीरोज और उनकी रियलिटी या फिर यूनिवर्सेस का शोडाउन हुआ, और इसमें कुछ ही यूनिवर्सेस और सुपर हीरोज सरवाइव कर पाए। इस स्टोरी लाइन से DC कॉमिक्स को 3 फायदे हुए। रीडर्स को DC कॉमिक्स के थ्रू एक धमाकेदार स्टोरी लाइन देखने को मिली, दूसरा DC कॉमिक्स ने अपने एक्स्ट्रा कैरेक्टर से छुटकारा पा लिया, और तीसरा पूरी तरह से कंफ्यूजिंग DC कॉमिक्स पूरी तरह से रिबूट होने के कारण नए और पुराने दोनों रीडर्स के लिए आसान बन गई, और आज तक DC कॉमिक्स की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। पर फिर भी ये DC का आखिरी क्राइसिस इवेंट नहीं था, क्योंकि इसमें भी कई सारी कमियां थीं। फॉर एग्जांपल, हॉकमैन और लीजन ऑफ सुपर हीरोज के टाइमलाइन का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था,
और वो डीसी कॉमिक्स में प्री क्राइसिस टाइमलाइन के हिसाब से ही बढ़ते जा रहे थे। दूसरी ओर डीसी के बेहतरीन सुपर हीरोज जैसे कि बैरी एलन का फ्लैश और कारा जोरेल की सुपर गर्ल इसी क्राइसिस के दौरान खत्म हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली फैन फेवरेट्स थे, जिसके कारण डीसी को इन सारी चीजों को फिर से सुधारने के लिए एक और छोटा सा क्राइसिस करना पड़ा और 1994 में आई जीरो आवर क्राइसिस इन टाइम, जिसमें बेसिकली हेल जॉर्डन का ग्रीन लैंटर्न ग्रीन लैंटर्न्स की सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर बन जाता है पैरेलैक्स और वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को फिर से रिक्रिएट करने के इंटेंशन से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को टाइम में फिर से रीसेट करता है। ऑब्वियस ये बात थी, ये डीसी राइटर्स की एक स्ट्रेटजी थी ताकि डीसी कॉमिक्स में 1985 में की गई क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ की गलतियों को बहुत हद तक सुधारा जा सके, पर फिर भी इस स्टोरी लाइन को रीडर से काफी मिला जुला रिस्पॉन्स रहा और ये उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। इसके बाद 2005 से 6 में एक और क्राइसिस किया गया, जिसने बेसिकली सबसे पहले क्राइसिस के कुछ छोटे हिस्से को सुलझाने की कोशिश की और ये था इन्फिनिट क्राइसिस, जहां पर अर्थ 2 का सुपरमैन, अर्थ 3 का लेक्स लूथर और ओरिजिनल अर्थ का सुपर बॉय तीनों के तीनों क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ के इवेंट्स के दौरान सर्वाइव कर जाते हैं और एक पॉकेट डायमेंशन में फंसे होते हैं और वहीं से वो पूरे मल्टीवर्स को देखते हैं, जहां उनके हिसाब से चीजें बहुत ही ज्यादा बदल जाती हैं और वो उन चीजों को सुधारना चाहते हैं। वहीं पर सुपर बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाता है, जिसके कारण सुपर हीरोज को उसे ठिकाने लगाना पड़ता है और उसे उठाकर रेड सन की जेल में कैद किया जाता है। और इसी सीरीज के बाद क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ के कुछ छोटे हिस्सों को कवर किया गया। इसके बाद एक और क्राइसिस आया फिर से और वो था द फाइनल क्राइसिस, जहां पर द डार्क साइड पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए एक एंटी लाइफ इक्वेशन इजाद करता है और वो सबको खत्म करने में कामयाब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन को छोड़ के, जहां पे सुपरमैन को एक मिरेकल मशीन दी जाती है जिसके चलते कोई भी और किसी भी तरह की विश पूरी हो सकती है। सुपरमैन यहां पर डार्क साइड को खत्म करने और यूनिवर्स को फिर से रिसेट करने में इस मिरेकल मशीन का यूज करता है। तो हाँ, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अभी तक कोई सॉलिड क्राइसिस 1986 के क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ के बाद नहीं दिखी हमें, पर फिर भी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन के बाद एक मेजर रिबूट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके कारण 2011 में एक बार फिर से रिबूट हुआ, जिसे कहा गया द न्यू 52 रिबूट, और इसे किया द फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन ने, जहां पर टाइमलाइन में हुए एक ग्लिच के चलते फ्लैश को सब कुछ ठीक करना पड़ा और इसके चलते पूरा का पूरा यूनिवर्स ही रिबूट हो गया। ये बेसिकली डीसी कॉमिक्स की न्यू 52 की स्ट्रेटजी थी, जिसमें कई सारी कॉमिक बुक को कैंसिल करके ओरिजिनल 52 कॉमिक्स को नए तरीके से फिर से रीसेट किया गया और 2011 से कई सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स का इशू नंबर 1 फिर से लॉन्च किया गया, जिसके कारण 1980s के बाद कई सारे फैंस के लिए डीसी कॉमिक्स को पढ़ पाना बहुत ही ज्यादा इजी हो पाया और कई सारे न्यू रीडर्स डीसी कॉमिक्स को ज्वाइन कर पाए। सब कुछ 2015 तक ठीक चल रहा था कि एक और रिबूट की बारी आ गई, जहां पर किया गया कन्वर्जेंस और इस कन्वर्जेंस के दौरान न्यू 52 के हीरोज 1985 के क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ के इवेंट्स में वापस जाते हैं ताकि ओरिजिनल क्राइसिस को होने से रोक सकें। लाइक लिटरली ये रिबूट का भी रिबूट था। ऑब्वियसली इसके एंड तक सब कुछ लगभग ठीक ही हो गया और ये भी पता चला कि डीसी कॉमिक्स में मल्टीवर्स के भी मल्टीवर्स हैं और इस कन्वर्जेंस के बाद न्यू 52 टाइटल को हटाकर और 2016 में उसे कहा गया द डीसी रीबर्थ, क्योंकि एक काइंड ऑफ अ रीबर्थ था सबसे पहले प्री क्राइसिस एरा का। यही कारण है कि सॉफ्ट रिबूट की कुछ कॉमिक्स को ओरिजिनल कॉमिक कंटिन्यूएशन के साथ भी जोड़ा गया और यही सबसे लेटेस्ट रिबूट है डीसी कॉमिक्स की अभी तक। और आगे जाकर 5G नाम की एक और डीसी रिबूट की बात चल रही है, जिसमें सारे के सारे करंट जनरेशन के सुपर हीरोज पूरी तरह से ओल्ड हो जाएंगे और उनकी लेगेसी उनके डिसेंडेंट संभालेंगे। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि ये सब क्या बवाल है, तो कोई बात नहीं, आपके मन में ये फीलिंग उठना नॉर्मल है और मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये दिमाग में दर्द कर देता है और मैंने तो अभी इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तब जाकर ये हाल है। बेसिकली यही समझ लीजिए कि जब भी डीसी को लगता है कि उन्हें अपने फैंस के अटेंशन को दोबारा गेन करने की जरूरत है, तो वो एक रीबूट कर देते हैं। अब ऐसे में हम और आप कैजुअल रीडर्स को ये सोचने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से, क्योंकि डीसी ने इन्हीं रीबूट्स के दौरान कई सारे बेहतरीन स्टोरी लाइंस को भी लिखा है, आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप एक टाइमलाइन फॉलो करना चाहते ही हैं तो लेटेस्ट रीबर्थ को फॉलो करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डीसी कॉमिक्स में जब भी रीबूट्स हुए हैं
तो उनका रिश्ता पीछे की कॉमिक से खत्म हो जाता है। तो ऐसे में अपने दिमाग को ज्यादा खराब करने की बजाय चीजों को आराम से लेकर चलने की जरूरत है। इसके अलावा जो भी आप करना चाहें आपकी मर्जी। तो गाइस लीजिए, ये था डीसी के अब तक के हुए सारे के सारे रिबूट्स का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हमें इस वीडियो से जुड़े हुए कोई सजेशन या हमें कोई फ्यूचर टॉपिक सजेस्ट करने के लिए कमेंट करिए। हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई जानने वाला इस वीडियो को देखे तो अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। अंत में हमारी ऐसे ही ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और डेली फैक्ट्स को पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।